स्वागत जैसे आपको पता है, है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव कर यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में जैसे आप सभी को पता है हम एडमिशन फॉर्म का कितने टाइम से वेट कर रहे हैं तो एल के एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर एल यूनिवर्सिटी के और इसकी लास्ट डेट हमारी इक्कीस बताई जा रही है चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम पूरी लास्ट डेट देखते हैं कैसे क्या फॉर्म भरना है क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सारी प्रोसेस चेक करते हैं देखिए ये नोटिफिकेशन है जो कि एलएलबी के प्रथम वर्ष के प्रवेश के बारे में है इसमें बताया गया है कि आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तेरह सितंबर से और वो लास्ट डेट रहने वाली है हमारी वो इक्कीस सितंबर तक रहने वाली है आप इस बीच में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फॉर्म जमा करवाने का टाइम रहेगा आपका सुबह नौ बजे से ले दोपहर के अंदर एक बजे तक ठीक है दोपहर एक बजे के बाद में दोपहर दो, दो बजे में लंच ब्रेक हो जाता है उसके बाद फॉर्म का काम नहीं होता है तो फॉर्म सबमिट का टाइम आपका मॉर्निंग में ही रहेगा उसके बाद में जो आपकी प्रवेश लिस्ट है जिसमें जो लिस्ट आपकी जारी की जाएगी वो लिस्ट आपकी जारी की जाएगी छब्बीस तारीख को कि आपका एडमिशन में नंबर आया है या नहीं आया है छब्बीस तारीख को आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी एक आपकी एक बजे की जाएगी दूसरी लिस्ट आपकी दो बजे की जाएगी इसके बाद लिस्ट प्रकाशित किए जाने के बाद लिस्ट आने के बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट और जो आपके जो फ़ीस शुल्क है कोई डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो वो फिलअप करनी पड़ेगी इसी के साथ में आपकी जो फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी उसकी डेट है आपकी दो तारीख की फिर उसके बाद में ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनल आपकी लिस्ट जो आएगी वो चार तारीख को आएगी इस प्रकार पूरी एडमिशन प्रोसेस है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें नीड रहेगी देखिए डॉक्यूमेंट में आपको आपकी टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट आपने जो ग्रेजुएसन किया है उसकी मार्कशीट इसमें आपको तीनों ईयर की लगानी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ये, ईयर फाइनल ईयर की ये नहीं कि आप खाली फाइनल की लगा दें या डिग्री लगा दें तीनों ईयर की मार्कशीट लगेगी आपकी जाति प्रमाण पत्र यदि आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है तो आप वो साथ में लगाएंगे इसी के साथ में आपका आधार कार्ड आपका जो पहचान पत्र है जो वोटर आईडी कार्ड है वो इसके साथ टी सी और सी सी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा इसी के साथ में यदि आपका किसी भी प्रकार का गैप रहा है जैसे मान लीजिए मतलब आपने बीच में कोई भी गैप लिया है किसी भी ईयर आपने यदि गैप लगाया है आपने डिग्री नहीं ली है आपने स्टडी नहीं की है जैसे आपकी ग्रेजुएशन दो साल पहले हो गई अब आप एल, एल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट गैप सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाना पड़ेगा इसी के साथ में समझ दस्तावेज के साथ आपको एक प्रवेश फॉर्म लगाना पड़ेगा वो जहाँ आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में आपको एक मिल जाएगा जो एडमिशन फॉर्म होगा वो वहाँ से लेना रहेगा इसके अलावा आपको जो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के अंदर जो कौन कौन एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे जनरल में हैं आप तो आपके ग्रेजुएशन में आपके फोटी फ़ाइव परसेंट होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस से है तो भी फ़ोर्टी फ़ाइव परसेंट होने चाहिए ओ बी सी से है तो फोर्टी टू परसेंट होने चाहिए एम बी सी से है तो फोर्टी टू होना चाहिए और एस टी एस सी से हैं तो भी आपका फोर्टी परसेंट होना चाहिए इस हिसाब से आपको इस योग्यता के आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे ये सब फिलअप हो जाने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी हम एक दो दिन में आपको क्या मेरिट लिस्ट रहती है उसका भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी के साथ यदि आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहती है जो भी क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं उसके लिए हम लोग हमारे चैनल पर वीडियो बनाते रहते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए थैंक यू